हाय, आज आपने थंबनेल पे देखा है। आज हम जानने वाले हैं कि मल्टीविटामिन को हम कब स्टार्ट करें और क्या मल्टीविटामिन से वेट लॉस होता है, कितनी लेनी, कब लेनी, इसके ऊपर पूरा वीडियो रहेगा। छोटा वीडियो, बहुत अच्छा आपको नॉलेज मिलने वाला है। तो आपको क्या करना है, पूरा वीडियो देखना है। और जो मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वेट लॉस के ऊपर और सप्लीमेंट के ऊपर बहुत अच्छे मैं वीडियो लाता हूँ आपके लिए, जिससे कि आप उससे बेनिफिट लेके अपना जो वेट लॉस का प्रोसेस है, फिटनेस का प्रोसेस है, आप पूरा कर पाएँ। तो हम स्टार्ट करते हैं कि मल्टीविटामिन क्या है। देखिए, मल्टीविटामिन का नाम ही इसका मतलब है कि इसके अंदर बहुत सारे विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं। और ये तो हमें समझ में आ जाता है कि मिनरल्स एंड विटामिन्स तो है, बट इसको ये नहीं समझ में आता है कि इससे वेट लॉस कैसे होता है। तो एक एग्जांपल से मैं आपको पूरी समझाने की कोशिश करूंगा, पूरा एग्जांपल समझिए, जिससे कि सपोज आप ऐसे वेलनेस कोच हैं तो आप अपने कस्टमर को गाइड कर पाएं, या फिर आप एज अ कस्टमर आपको पता रहे कि कौन से महीने में कब मुझे ये मल्टीविटामिन की जो टैबलेट है ये मुझे स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहला, सपोज आप ऐसे इंसान हैं जो 80 किलो के हैं, 80 किलो में जब भी हम वेट लॉस का स्टार्ट करते हैं तो हम एक बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करते हैं, हमारे हर्बल लाइफ के जो भी प्रोडक्ट होते हैं, शेक होते हैं, इनसे एफ्रेश से। और हम शायद हमने 2 महीने में 10 किलो 12 किलो लूज कर लिया है। देखिए, जब आप वेट लॉस कर रहे होते हैं 2 महीने बाद, आपको तो लग रहा है कि मैंने 12 किलो लूज कर लिया, तो पहले तो आपको ये समझना है कि उस 12 किलो में क्या क्या गया है। क्या आपका सिर्फ वजन गया है? वजन गया ऐसा नहीं होता है। इस 12 किलो के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हमारी बॉडी से चली जाती है। उसमें सबसे पहला है जो आपको दिखता है वो है आपका वजन, क्योंकि आप कांच में देखते हैं कि आपका शरीर थोड़ा सा पतला हो गया है, पहले जो कपड़े थे वो आपको आने लग गए, तो इसका मतलब आपको ये तो समझ में आ जाता है कि मेरा वेट चला गया। सेकेंड जो चीज़ जाती है जो आपको नहीं दिखती लेकिन बहुत मेन होती है, वो होता है आपका फैट। जो फैट जाता है आपको महसूस होता है, आपको गुड फील होना स्टार्ट हो जाता है, तो ये क्या है, ये आपका फैट रिमूव हो रहा है, तो ये भी आपके शरीर से निकलता है। लेकिन इसके साथ साथ हमारी बॉडी इतनी स्मार्ट नहीं है कि वो इन गलत चीज़ों को जाने दे और अच्छी चीज़ों को रोक ले, तो वो क्या करता है, कुछ अच्छी चीज़ों को भी रिमूव कर देता है। तो उसमें अच्छी चीज़ों में रिमूव हो जाते हैं आपके मिनरल्स और विटामिन्स। अब जब ये आपके शरीर में से जाते हैं, तो आपने बहुत बार देखा होगा, लोग मेरे भी कभी किसी वीडियोस के नीचे मैंने देखे थे कमेंट के, जहां बोलते हैं कि सर मैंने वेट लॉस किया लेकिन मेरे में कमजोरी आ गई। अब आप ये सोचिए कि वो कमजोरी आई किससे, वो कमजोरी वेट और फैट लूज होने से नहीं आई, वो कमजोरी आ गई है कि जो वेट लॉस के दौरान आपके बॉडी में से मिनरल्स और विटामिन्स निकल गए साथ साथ में। तो उस वजह से क्या होता है कि आपके मिनरल्स विटामिन्स आपके बॉडी में नहीं होते और आपके जो ऑर्गन्स और ये बॉडी के जो भी फंक्शनलिटी होती है वो हो जाती है लूज, और उस वजह से आपको कमजोरी महसूस होना स्टार्ट हो जाता है। और बहुत लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 2 महीने बाद या 3 महीने बाद अपना वेट लॉस का जो प्रोसेस है हर्बल लाइफ के साथ वो छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि यार इससे मुझे कमजोरी आ रही है, लेकिन वहाँ पे वो लोग एक चीज़ भूल जाते हैं कि यहाँ पे कमजोरी इस प्रोडक्ट से नहीं आ रही, लेकिन कमजोरी आ रही है हमारे मिनरल्स विटामिन्स की कमी हो जा रही। हाँ, हमें हमारा जब हम फॉर्मूला 1 लेते हैं वहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स एंड विटामिन्स मिलते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ पे नहीं अवेलेबल होती। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उस विटामिन्स और मिनरल्स को वापस हमारी बॉडी में लाने के लिए, उसकी पूर्ति पूरी करने के लिए हम हर्बल लाइफ का मल्टी विटामिन यूज़ करते हैं, जो आप मेरे हाथ पे देख पाएंगे। मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा क्या क्या इसके अंदर मिलता है। तो यहाँ पे जब हम उस चीज़ को लेते हैं तो जो हमारी कमजोरी और जो हमें महसूस हो रहा होता है वो वापस फुलफिल हो जाता है और हमें हमारे मिनरल्स विटामिन्स मिल जाते हैं और हमें फील अच्छा होना स्टार्ट हो जाता है। नॉर्मली हम ये क्या करते हैं, हम हमारे फ्रूट और वेजीज में इसमें से हम लेते हैं, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत बहुत आती है, वो आती है वेजिटेरियन के साथ। जो इंसान वेजिटेरियन है, प्योर वेजिटेरियन, वो क्या कर रहा है, वेट लॉस के अंदर वैसे भी हम नॉनवेज को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, तो ऐसे भी हम 80-90% तो वेजिटेरियन हो जाते हैं उस वेट लॉस के प्रोसेस के दौरान। तो क्या कर रहे हैं कि वहां से हमें हमारे वेज खाना है उसमें से उतने मिनरल्स एंड विटामिन मिल नहीं पाते। इस समय हमें जरूरत पड़ती है हर्बल लाइफ की मल्टीविटामिन की। तो जब आप उस समय जो मल्टीविटामिन ले रहे हैं तो आपको वो कमजोरी महसूस होना बंद हो जाता है। तो अब बात करें कि इसके अंदर मिलता क्या है। सबसे पहले मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कब लेना चाहिए, कितने लेना चाहिए, आप एंड तक बने रहिए। लेकिन अभी हम जानते हैं इस हर्बल लाइफ की जो ये मल्टीविटामिन, इसके अंदर अवेलेबल क्या है। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे अभी आप देख रहे हैं, मैं फोटो डाल दूंगा जहां पे इसके अंदर मिलता क्या है। हमें विटामिन ए मिलता है, विटामिन सी मिलता है इसके अंदर, विटामिन ई मिलता है, विटामिन डी, B3, B5, B12 मिलता है, विटामिन B1 मिलता है, विटामिन B6 मिलता है, फॉलिक एसिड मिलता है, बायोटिन मिलता है, विटामिन B2 मिलता है, कैल्शियम, पोटेशियम, क्या सेलेनियम, ये सब चीज़ें आप सोचिए कि ऑल ओवर जो भी मल्टी
जो विटामिन हम बोलते हैं, जो मिनरल्स और विटामिन बोलते हैं, वो हर एक चीज इसके अंदर अवेलेबल होती है। तो मतलब कि हमें बहुत सारी चीजें खाने की जरूरत नहीं, हम मल्टी विटामिन लेते हैं तो हमारे पास जो मिनरल्स और विटामिन की जो कमी है वो हमारे भरपूर हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, इससे कि हमें जो अच्छा फील होना, कमजोरी नहीं आना, ये सब चीजें जो होती है ये एक बार साइड में हो जाती है, मतलब कि हमें अच्छा फील होना स्टार्ट हो जाता है। तो हम बात करें, अभी तक हमें समझ में आ गया कि इससे हमें बेनिफिट होता है, मल्टी विटामिन मतलब विटामिन और मिनरल्स हमें भरपूर मात्रा में हमारे शरीर को मिलने लग गए, इससे हमारे जो बाकी के जो शरीर के ऑर्गन है वो वापस अच्छे से काम करना स्टार्ट कर दिए। तो यहाँ पे अभी हमारा वेट लूज भी हो गया और हमें अच्छा भी महसूस हो रहा है। जो बोला जाता है कि हर्बल लाइफ लोग क्यों यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हेल्दी वेट लॉस होता है, उसका एक मेन रीजन है कि जब भी आप कुछ वेट लॉस कर रहे हैं तो वहां से आपके जो मिनरल्स विटामिन और जो भी कमी जा रही है वो उसको भरपाई हो जाती है हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट के साथ। तो अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि इसको कब ले, कौन से समय में ले। यहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है, लोग क्या करते हैं इसको फर्स्ट महीने से स्टार्ट कर देते हैं। मेरा मानना है कि फर्स्ट महीने आपको सपोर्ट करेगा फॉर्मूला वन, जहाँ पे बहुत सारे उसमें भी बहुत सारे मिनरल्स विटामिन्स है। तो आपको क्या करना है, एग्जैक्ट इसका अच्छा टाइम जो मैं मेरे कस्टमर को रिकमेंड करता हूँ वो करता हूँ थर्ड मंथ, जहाँ पे उसका 10 से 12 किलो वेट लॉस हो जाता है और वहाँ पे उसको नीड होती है मल्टी विटामिन्स की। तो आप क्या कीजिए, आप भी ऐसे इंसान हैं जो अभी इन चीज़ों को नहीं, कमजोरी फील हो रही, तो आप अपने मल्टी विटामिन को ऐड कराइए जो आपका तीसरा महीना है, और वहाँ पे भी देखिए क्या आपका 10-12 किलो लूज हुआ है क्या। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी। दूसरी चीज़, एक और जो क्वेश्चन आता है कि कितने कैसे लें, तो आपको 3 टैबलेट दिन में लेनी है। कब लेनी है, आपको हर एक मील के साथ, मतलब मैंने खाना मॉर्निंग का शेक ले लिया उसके 10 मिनट या 5 मिनट के बाद मैं एक टेबलेट ले सकता हूँ, वैसे ही लंच और डिनर में आप कर सकते हैं। जो आप इस तरह से करेंगे तो आपका जो कमजोरी आना और ये वेट लॉस के अंदर जो दिक्कतें आती है वो नहीं आएगी और अपना वेट लॉस का जो प्रोसेस वो बहुत हेल्दी तरीके से आप कर पाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर आपको समझ में आ गया होगा कि ये मल्टीविटामिन क्यों लेना है, क्या हमारे शरीर में काम करती है और कैसे हम मैक्सिमम इसका यूज़ करके हमारा वेट लॉस का जो जर्नी है वो बेस्ट ले सके। तो आज आपको समझ में आएगा कि इससे वेट लॉस कैसे होता है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखा है, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैंने वापस बोल रहा हूँ, आप सब्सक्राइब कीजिए, और जो मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं प्लीज़ आप लाइक कीजिए। थैंक यू।